नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्वत योग के बारे में। पर्वत योग एक काफी प्रभावशाली योग है। पर्वत से मतलब यहाँ ऊंचाई से, अचलता से, स्थिरता से। जिस व्यक्ति की कुंडली में योग होता है वो काफी प्रभावशाली होता है, काफी उदार होता है, दूसरों को आश्रय देने में सक्षम होता है, यानी कि धनी भी होगा और साथ साथ काफी प्रभावशाली जीवन जिएगा। ऐसे व्यक्ति भाग्यवान होगा और वाक कुशल होगा, बोलने में बहुत अच्छा होगा। ये पर्वत योग बनेगा कैसे? इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी कुंडली में केंद्रों को देखना है। प्रथम भाव लग्न होता है और केंद्र भी होता है, ये दूसरा केंद्र है, ये तीसरा केंद्र है और ये चौथा केंद्र है। किसी भी ग्रह में, किसी भी कुंडली में अगर आपको इन केंद्रों में, केंद्र स्थानों में यदि आपको दिखाई दे कि कुंडली के सभी शुभ ग्रह, यहां शुभ से मेरा मतलब योग कारक है, अष्टमेश नहीं हो सकता यहां शुभ ग्रह, अगर वो साथ में लग्नेश ना हो तो, अगर सभी शुभ ग्रह केंद्र में हो और 6-8 में ये छठा भाव होगा और ये वाला जो है अष्टम भाव होगा, 6-8 में कोई भी ग्रह ना हो। अब वैसे तो सामान्य बात अगर हम कहें कि अगर सभी शुभ ग्रह केंद्र में आ गए तो 6-8 खाली रह सकते हैं। अगर ये खाली हो, इनमें कोई ग्रह ना हो, अगर हो तो शुभ ग्रह हो, तो शुभ ग्रह तो होंगे नहीं क्योंकि सभी शुभ ग्रह केंद्र में हो गए, पहली कंडीशन लागू हो गई, तो इन स्थानों में पाप ग्रह नहीं होने चाहिए, वो कहीं और चले गए हों बाकी बचे हुए स्थानों में। तो यहां कोई पाप ग्रह ना हो, ये खाली हो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर केंद्र जो है, इन सभी केंद्रों में शुभ ग्रह आ जाएं तो ऐसी स्थिति में कुंडली में पर्वत योग बनता है। पर्वत मतलब अचलता, पर्वत मतलब स्थिरता। ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत कुशल होता है, लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसा व्यक्ति सुखी बहुत होता है। उसके जीवन में, जीवन काल में उसे बहुत सुख प्राप्त होता है। आप इसे एक चीज सबसे प्रधान रूप से आपको ध्यान रखनी है पर्वत योग में, एक तो कि केंद्र में ही शुभ ग्रह होने चाहिए, ये लग्न से ही देखना हमेशा, लग्न से पहला भाव, चौथा, सातवां और दसवां, यहां गिनेंगे 1, 2, 3, 4, चौथा, 5, 6, 7, सातवां और 8, 9, 10, ये दसवां और ये लग्न है। तो ये चार केंद्र कुंडली में होते हैं। यदि आपकी कुंडली में सभी शुभ ग्रह केंद्र में आ जाते हैं, अब 6 और 8 खाली होंगे। अगर ये खाली नहीं है तो इनमें कोई शुभ ग्रह होना चाहिए, तो इसका मतलब यहां से एक शुभ ग्रह कोई कम हो जाएगा। सब शुभ ग्रह इसका मतलब केंद्र में नहीं है, 6-8 में कोई शुभ ग्रह चला गया, लेकिन कम से कम कोई पाप ग्रह 6 और 8 में नहीं होना चाहिए, वो पर्वत योग को भंग कर देगा। अब ऐसे व्यक्ति को जबरदस्त जीवन में सफलताएं मिलेंगी, अच्छी उन्नति मिलेगी, वो धनवान होगा, वाक्पटु होगा, सब कुछ उसके पास उपलब्ध रहेगा। किंतु ऐसी स्थिति में ये फल क्या बिल्कुल यथावत दिखाई देगा जैसा बताया जा रहा है, वो निर्भर करेगा ग्रहों के बल पर। जहां यहां जो शुभ ग्रह बैठे हैं वो कितने बली हैं, उनके पास जितना अधिक बल होगा। अगर आप ऐसी कुंडली देख रहे हैं कि 6-8 बिल्कुल खाली है और सभी शुभ ग्रह केंद्र में आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं कि जितने बली ग्रह होंगे उतना विशेष फल होगा। यदि ऐसे व्यक्ति के सभी ग्रह बहुत बली हों तो आप क्या पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति अद्भुत उन्नति करने लगता है।
ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सफलता पाता है, ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि बहुत पाता है और निश्चित रूप से पर्वत योग बहुत प्रशंसनीय राजयोगों में से एक है। और जिन भी कुंडलियों में दिखाई देता है ऐसे लोग निश्चित रूप से बहुत सफल होते हैं। तो उम्मीद है आप पर्वत योग को ठीक से समझ गए होंगे। जब भी आप किसी योग के बारे में बात करते हैं तो उस योग की दो कंडीशन मुख्य होती हैं। सबसे पहली होती है ग्रहों की स्थिति और दूसरी जो कंडीशन है जो बहुत ध्यान रखनी है आपने वो है ग्रहों का बलाबल। यदि ग्रह बलहीन है, अस्त हो गए हैं, पावर उसमें नहीं है, डिग्री वाइज 0 डिग्री पर है, 1 डिग्री पर है या 29-30 डिग्री पर पहुंच गया है, तो ऐसे ग्रह फल देने में बहुत सक्षम नहीं होते। मृत ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको इन पर बहुत ध्यान नहीं देना है। फिर योग का प्रभाव आपको बहुत नाम मात्र या हो सकता है बिल्कुल दिखाई ना दे, क्योंकि जब ऐसा ग्रह होगा ही नहीं फल देने योग्य तो वो आपको अच्छा या शुभ फल कहां से दे पाएगा। तो आपको योग देखते समय ग्रहों के बल पर विशेष ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।